एक लड़का मुझे हर रोज़ छेड़ता था, मैंने उसकी बात नहीं सुनी। वो एक दिन मेरी गली में आया, वो मुझे कहने लगा मेरे साथ ज़बरदस्ती कुछ काम करो गलत। पुलिस ये मैंने फाड़ी चाह दी कि पुलिस कहानी ये पुलिस विकी ये की चाहते ने ऐसा मैं इतने आया। उस दिन मेरी बीवी ने कहना जी तू इंज करेंगी तू इंज करेंगी, उस बच्चे ने कहना जी तू बुला तू हाथ ला सा बच्चे ने ज़्यादा परेशान किया उन्होंने की बिगाड़िया ने की बिगाड़िया हर गलबात हैगी है। वो माँ बाप मार देने साढ़े माँ बाप ना मेरा माँ बाप सिरते करना ना माँ पे सिरते का। वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद शकील चौधरी, आप देख रहे हैं डेली खुलासा डिजिटल। नाजरीन इस वक्त मौजूद हूँ ये पुलिस स्टेशन सांदा का एरिया टी नंबर 5 लाहौर का एरिया ये, और यहाँ पर मैं मोहम्मद हफीज़ नामी बंदे के घर पर मौजूद हूँ, उनके साथ उनकी मिसेज आमना ये खड़ी हैं। तो ये लोग हमें पुलिस स्टेशन सांदा के बाहर अभी थोड़ी देर पहले मिले थे और ये ज़ारो कतार रो रहे थे और कह रहे थे कि हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। और ये कह रहे थे कि ग़ुलाम महमूद डोगर साहब सीसीपीओ साहब ये लाहौर आप तो आपका तो नारा है कि लाहौर हमारा है, बदमाशों का गुंडों का नहीं है, ये गैरतमंद जो है उनका ये लाहौर है, जितने भी गैरतमंद अफराद हैं उनके लिए यहाँ पर जगह है, बदमाशों गुंडों के लिए असला लेकर घूमने वालों के लिए या मनशियात फरोशों के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। तो आइए इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा भाई बताइएगा कि आप जब पुलिस स्टेशन सांदा में हमें थोड़ी देर पहले मिले हैं तो वहाँ पे आपका क्या मामला था और क्या मामला है, पुलिस ने कहाँ तक आपकी बात सुनी है? हम वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहे, पुलिस वाले जब भी हम जाते वो कोई बात नहीं सुन रहे। मामला है क्या? एक लड़का मुझे हर रोज़ छेड़ता था, मैंने उसकी बात नहीं सुनी। वो एक दिन मेरी गली में आया, वो मुझे कहने लगा मेरे साथ ज़बरदस्ती कुछ काम करो गलत। मैं नहीं बात उसकी मानी और मेरे साथ उसने ना ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, साथ में पिस्तौल मुझे दिखाई, उसने कहा मैं तुझे मार दूँगा। वो कौन है, उसका नाम क्या है? उसका नाम शबीर है। शबीर, शबीर क्या करता है? वो ये पुलिस वालों के साथ रला हुआ है, ये मुकबर है उनका। और ये काम क्या करता है? ये नजायज़ फरोश करता है काम, आइस वगैरह पाउडर वगैरह बेचता है। इसी इलाके के अंदर बेचता है? जी। तो बेटा जब आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की है तो आज कितने दिन हो गए एप्लीकेशन फ़ाइल की हुई को और पुलिस वालों ने अभी तक मुलज़म को नहीं बुलवाया? 3 दिन हो गए, अभी तक उनको नहीं बुला रहे, हमें बुला रहे। तो बुला के आपको क्या कहते हैं? हमें ये कहते हैं ये अभी नहीं आया आप आएँ, ये नहीं आ रहा है वो आप आएँ। पुलिस का रवैया क्या है आप लोगों के साथ? बदतमीजी, आज हमारे साथ उन्होंने बदतमीजी की है, वो कह रहे जाओ हमने नहीं करना आपका पर्चा, कुछ भी नहीं करना जाओ। बदतमीजी किसने की है? पुलिस वालों ने। थाना सांदा में? जी। हफीज़ साहब आप बताइएगा कि आप काम क्या करते हैं? सर पंडे काम करना पानी का, ठीक है। मेरी लगी रोजी 1500 लगी रोजी, मेरी लगी रोजी है, मैं ये बात कर रहा हूँ मेरी लगी रोजी है। ये मेरी बीवी को रोज तंग करता है, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा मैं वैसे करूँगा, ये चाहता की लेना चाहता है, पुलिस ने अटैच होया है की कहना चाहता है, ये पूरे लाहौर च फिर है एंड पुलिस ने अपने फाड़ नहीं सकती कि पुलिस कहानी ये पुलिस विकी ये की चाहते ने ऐसा मैं इतने आया। उस दिन मेरी बीवी ने कहना जी तू इंज करेंगी तू इंज करेंगी, उस बच्चे ने कहना जी तू बुला तू हाथ ला सा बच्चे ने ज़्यादा परेशान किया उन्होंने की बिगाड़िया ने की बिगाड़िया हर गलबात हैगी है। वो माँ बाप मार देने साढ़े माँ बाप ना मेरा माँ बाप सिरते करना ना माँ पे सिरते का, वो फिरता पाया उन्होंने काबू करना कोई नहीं गा, उन्हें की वजह हैगी है पुलिस विकी है या पैसे लाते पे ने की वजह की गलबात हैगी है। पर रात मैं तो मेरी बीवी रोन की गलत है बात हैगी है, बीवी उन मेरी बीमार पी है, मैं किनू कमा सामने में कहना मेरी फरियाद सुनेगा तो कौन सुने पुलिस सारे सुनते नहीं गए, कहते भाई असं जेल रखे है की वजह हैगी है कोई सुनता नहीं गा, तो भाई कहते भाई जाओ आप ही फड़क लिया असं कि जाए। उन्होंने सर हमें ये भी दिया, ये देखें ये भी हमें दिया। अच्छा ये ई टैग है जी, इनकी जो एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है पुलिस स्टेशन शेराकोट में जो रजिस्टर्ड इनका एप्लीकेशन उसका ये ई टैग है। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि आप आला हुकाम CCPO लाहौर DIG लाहौर इनसे क्या मुतालबा करती हैं? कि उनको वो पकड़ लें। आपकी गैरत के ऊपर वो बंदा हमला कर रहा है और बकौल आपके के वो बंदा मनशियात फरोश है और पुलिस का इन्फॉर्मर है, मुखबर है पुलिस का, उसके पास असला होता है, आप गरीब लोग हैं कमज़ोर हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकते, आप CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर साहब से आप क्या मुतालबा करते हैं? क्या उन्हें पकड़ें? क्यों नहीं पकड़ते वो लोग से, वो ऐसे फिर रहे वो जो उनके बाप की जगीर है, क्यों नहीं पकड़ते उसे? जी क्यों नहीं पकड़ते उसे? यहाँ पे पुलिस स्टेशन सांदा ने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है मोहतरम CCPO साहब आपके लिए, और ये आपका जो नारा है कि ये लाहौर गुंडों का बदमाशों का नहीं है, ये
शरीफ शहरियों के और जो शराफत के पैकर हैं उनका ये लाहौर है। और अभी ये एक दास्तान, आज ही एक फ्रेश दास्तान जो पुलिस स्टेशन सांदा से निकली है, आप तक आवाज़ पहुंची है। अब देखते हैं कि आप इसके ऊपर किस कदर नोटिस लेते हैं और मुलज़म के ख़िलाफ़ क्या इंसदादी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। और इसके साथ साथ पुलिस स्टेशन सांदा के जो मुलाजमीन हैं जिन्होंने इस हवा की बेटी के साथ, कौम की बेटी के साथ, रियासत की बेटी के साथ बदतमीज़ी की है और इस शरीफ बंदे की गैरत को ललकारा है, तो देखा अब ये जाएगा कि आप इन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जो कि करप्ट हैं, खिलाफ़ आप किस हद तक नोटिस लेते हैं।